नाज़रीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की आम खबरों में, कराची में जश्न कयाम पाकिस्तान का वालेहाना इनेकाद हो या सानिहा जड़ावाला में मसीही बरादरी पर तशद्दुद की मुज़म्मत हो, मेयर कराची का कराची को सेफ सिटी बनाने का अज़्म हो या कराची को 10 करोड़ गैलन पानी की बंदिश हो या के इलेक्ट्रिक और पेट्रोल की कीमतों में होशुबा महंगाई पर ताजरों का एहतजाज हो या आजादी रैली देखने वाले मासूम की जिंदगी की आजादी हो, अफगान डकैतों की इबरतनाक हलाकत हो या वजीरो सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब की कराची आमद हो, एनरोलमेंट और इम्तिहानी फीसों में कमी पर इजहार तशक्कुर हो या हेपेटाइटिस से तदारुक की माहिराना तदारुक हो। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। सबसे पहले चलते हैं लाहौर से सबा चौधरी की जानिब। जी सबा, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन के मुकम्मल अहवाल के साथ सबा चौधरी। तो आइए चलते हैं सबसे पहले लाहौर की अहम हेडलाइंस की जानिब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। अमरीकन बीवी को कत्ल के बाद लाश दफनाने के दौरान शौहर कब्रिस्तान से गिरफ्तार। भारत के पानी छोड़ने से सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, हजारों अफराद की नकले मकानी। लाहौर इस्लामपुरा में डकैती की वारदात, डाकू की फायरिंग से शहरी हलाक। पाकिस्तान में नायाब नस्ल के लीगर फॉल्कन की जिंदगी पर पहली बार दस्तावेजी फिल्म तैयार। लाहौर में कांस्टेबल की आईजी और सीसीपीओ के खिलाफ बदजुमानी की वीडियो वायरल हो गई। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में वहाब रियाज की मंगोलिया में मुनक्किदा मंगोल डर्बी रेस में तारीख रकम करने वाले नौजवानों से मुलाकात। लाहौर में होने वाला टेनिस टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। जी तो नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी कि इस्लामाबाद की खास खास खबरें क्या हैं। जी रज़िया खान। शुक्रिया महविश, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाकयात और खबरों से। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत निगरान काबीना का पहला इजलास। इस्लामाबाद पुलिस में माइनॉरिटी प्रोटेक्शन यूनिट कायम। यूनिट शहर में अकलियतों और उनकी इबादत गाहों को तहफ़ फराहम करेगा। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में नई हल्का बंदियों का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त भी मुख्तस। ISPR की सालाना इंटर्नशिप प्रोग्राम की तकरीब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब। CDA इन एक्शन, गैर कानूनी कार शोरूम्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेजी से जारी। CDA ने इस्लामाबाद में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा, आवाम बिलबिला उठी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए तक इजाफा। जी तो नाज़रीन, आपने लाहौर इस्लामाबाद की खास खास खबरें तो जान ली, अब आपके पेशे खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खास खबरें। लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेशे खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। कराची में जश्न कयाम पाकिस्तान को रवायती जोश और जज्बे से मनाया गया, आवाम में गैर मामूली जोश और जज्बा देखने में आया। कराची प्रेस क्लब पर मुजाहिरीन ने सानिहा जड़ावाला में मसीही बरादरी पर तशद्दुद की पुरजोर मुज़म्मत की। इंतजामिया की नाअहली, हब कैनाल टूट गई, कराची को 10 करोड़ गैलन पानी की सप्लाई बंद। के इलेक्ट्रिक और पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ ताजिरों ने रोजगार बचाओ तहरीक का आगाज कर दिया। नॉर्थ कराची 5 अफगान डकैत पुलिस मुकाबले में हलाक, डकैत माजी में भी गिरफ्तार किए गए थे। लाइफ स्टॉक के निगरान वजीर और सेक्रेटरी का डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर का दौरा। एनरोलमेंट और इम्तिहानी फीसों पर नजरेस्तानी करने पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल कराची के चेयरमैन से इजहार तशक्कुर। हेपेटाइटिस ए और ई आलूदा पानी और गैर मयारी गजा के इस्तेमाल से होता है, तिबी माहरीन। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बाकी खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से
कि कराची में जश्न कयाम पाकिस्तान को रवायती जोश व जज्बे से मनाया गया। 14 अगस्त को मनाने के लिए शहर भर की मार्केटों में शाहराहों, सरकारी इमारतों समेत चौराहों और गलियों को झंडों और लाइटों से सजाया गया। अवाम में गैर मामूली जोश व जज्बा देखने में आया। खास तौर पर बच्चों में जज्बा हुबुल वतनी का जोश और जज्बा अपने उरूज पर दिखाई दे रहा है। जगह जगह लाउड स्पीकर्स पर मिली नगमे भी बजाए गए। सियासी, मजहबी और समाजी तंजीमों के दफातर पर परचम कुशाई और तकरीबात का एहतमाम किया गया। तालीमी इदारों में भी जश्न कयाम पाकिस्तान के हवाले से तकरीबात का एहतमाम किया गया। एक निजी स्कूल में भी 14 अगस्त का दिन मुनफरद अंदाज से मनाते हुए निजी स्कूल की 5 ब्रांचेस के बच्चे अपने वालिदैन के साथ क्लिफ्टन मरीन रोड पर जमा हुए। वालिदैन और बच्चों ने अपने असातिज़ा और स्कूल हेड्स और दोस्तों के साथ इकट्ठे मार्च पास्ट किया। परचम रोनुमाई की तकरीब हुई और सब ने मिलकर कराची प्रेस क्लब पर जड़ावाला तशद्दुद के खिलाफ बुध को मसीही बरादरी के अरकान, इंसानी हकूक के कारकुनों और आम लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और मुल्क में अकलियतों के खिलाफ हमले बंद करने का मुतालबा किया। मुजाहरीन ने अकलियतों के तहफ्फुज में नाकामी पर पंजाब पुलिस और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और गिरजाघरों में तोड़ फोड़ करने वाले और ईसाइयों के घरों को आग लगाने वाले पुरतशद्दुद ग्रोहों की मजम्मत की। मुजाहरीन ने इस बात पर जोर दिया कि बतौर पाकिस्तानी अकलियतों को आइन के उनके हुकूक हासिल हैं, जिनमें मजहबी आजादी और कानून के तहत मसावी सलूक के हुकूक शामिल हैं। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने सेंट पैट्रिक चर्च का दौरा किया, बिशप बेनी मारियो ट्रेविस से मुलाकात की और सानिहा जड़ावाला पर इजहार अफसोस किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामी बरादरी अपने मसीही भाइयों के साथ है। जो वाकया पेश आया है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हमारा आइन और कानून ऐसे वाकयात की इजाजत नहीं देते। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो सब की हिफाजत करें। उन्होंने कहा कि ऐसे वाकयात पर बैनुल अक्वामी सतह पर कानून साजी की जरूरत है। हब कैनाल में पानी चोरी रोकने में एंटी थेफ्ट टीमों की नाकामी का शाख्साना, नहर में किए जाने वाले सुराख और बर्बाद मुरम्मत ना होने के बायस बुध को मंगोपीर के इलाके में नहर टूट गई। कराची को 10 करोड़ पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। जिला गर्बी कराची के मुतादिद इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। चीफ इंजीनियर बल्क वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि हब कैनाल के मुतादिद मुकामात पर पानी चोरी करने के लिए टैंकर वालों और दीगर अफराद ने नहर में सुराख किए हुए थे, जिसकी इतला वाटर बोर्ड के एंटी थेफ्ट सेल को भी थी, लेकिन एंटी थेफ्ट टीम ने इस मसले को कभी संजीदा नहीं लिया और मुसलसल पानी चोरी और मुरम्मत न होने के बायस बिल आखिर इसमें बड़ा शिगाफ पड़ गया। नहर से कराची के मुंसलिक इलाके कई रोज तक पानी की बहाली मामूल पर नहीं ला सके। सीईओ वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन अहमद ने नोटिस ले लिया और मुतालिका हुकाम को फौरी हब कैनाल की हंगामी बुनियादों पर मुरम्मत करने के अहकाम जारी कर दिए। के इलेक्ट्रिक को पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और होशरुबा महंगाई के खिलाफ कराची के सनतकारों और ताजरों ने रोजगार बचाओ तहरीक का आगाज कर दिया। सनतकारों और ताजरों ने शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार करते हुए इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। ताजरों का कहना है कि इजाफा वापस न लिया गया तो मुल्क भर में मुजाहरे किए जाएंगे। ताजरों का कहना है कि मुल्क की तिजारत हुकूमत की नाकिस और तबाहकुन पॉलिसियों की जद में है, जिसके नतीजे में मुल्क की मईशत और नशेमन जल कर खाकस्तर हो गया। ताजर और अवाम बिजली की भारी बिलों की अदायगी की सकत से महरूम हो गए। हुकूमत ने बिजली के बिलों में हर तरह के टैक्स शामिल करके उसे बिजली के बिल के बजाय टैक्स चालान बना दिया है। एहतजाज का फैसला ताजरों की 300 से ज्यादा तंजीमों की हिमायत के बाद एक हंगामी इजलास में किया गया। इजलास में ये तजवीज भी जेर गौर लाई गई कि अगले मरहले में बिजली के बिलों की अदायगी रोक दी जाए। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर ने ताजरों के एहतजाज की भरपूर हिमायत का ऐलान करते हुए कहा है कि ताजर इत्तेहाद में शामिल तमाम मार्केटें बिजली और पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ शहर की दीगर तंजीमों के हमरा एहतजाज में शामिल होंगे। नॉर्थ कराची घर घर डकैती करने वाले 5 अफगानी डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक नॉर्थ कराची के एक घर में ग्रिल काट कर डकैती के लिए दाखिल हुए। इत्तला मिलने पर मददगार 15 और इलाका थाने की 3 मोबाइल हमरा SHO मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घर को कॉर्डन ऑफ किया, जिस पर अफगान डाकुओं ने फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 5 डाकू मौके पर हलाक हो गए। पुलिस ने मौके से सामान समेत असलहा बरामद कर लिया। अफगानी डाकुओं का एक साथी 6 घंटे तक पानी के टैंक में छुपा रहा। पुलिस जराए का कहना है कि मुकाबले के तकरीबन 6 घंटे बाद हलाक डाकुओं का साथी घर से निकलकर फरार हो गया, जिसके बाद फरार मुलजिम की तलाश जारी है। डाकुओं की लाशें अब्बासी अस्पताल मुंतकिल करके वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले मुलजिमान रिकॉर्ड याफ्ता है और पहले भी गिरफ्तार हो चुके थे।
निगरान वजीर लाइव स्टॉक पंजाब इब्राहिम हसन मुराद और सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब मसूद अनवर का डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर भैंस कॉलोनी कराची का दौरा किया। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर शाकिर उमर गुजर ने दीगर डेयरी फार्मर्स के हमरा उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दो तरफा रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान सेक्स सीमन टेक्नोलॉजी मंडियों में जानवरों की वैक्सीनेशन मुंह खुर वैक्सीन के मुकामी सतह पर तैयारी दूध की कीमत की डी कैपिंग मिनिमम पॉस्चराइजेशन एक्ट जानवरों की मुकामी नस्लों की बेहतरी चारे की बेहतरी और दीगर पहलुओं पर गुफ्तगू की गई और मुश्तरका लाए अमल पर गौर किया गया। ग्रैंड अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस सिंध में शामिल तमाम प्राइवेट स्कूल्स के नुमाइंदा एसोसिएशन के सरबराहान ने कराची की जमात नहम उदहम के बच्चों की एनरोलमेंट और इम्तिहानी फीसों पर उनके मुतालबे मुजाकरात और गुजारिशात पर नजरसानी और कमी करने के अमल को एक अहसन इकदाम करार देते हुए चेयरमैन सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कराची शर्फ अली शाह सेक्रेटरी बोर्ड शाइक अली कंट्रोलर इम्तिहान इमरान भट्ट और दीगर जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया है और उसे बाहमी तावन करार देते हुए इस फैसले को सराहा है। कराची कुतियाना मेमन अस्पताल में हेपेटाइटिस से आगाही का दिन मनाया गया। हेपेटाइटिस के हवाले से मुनाक़िदा प्रोग्राम में तिबी माहिरीन का कहना था कि हेपेटाइटिस ए और ई आलूदा पानी और गैर मयारी गजा के इस्तेमाल से होता है जबकि इस्तेमाल शुदा ब्लेड सिरिंजेस और नोकीली अशिया के इस्तेमाल से हेपेटाइटिस बी और सी के खदशात में इजाफा हो जाता है। मुंतजमीन का कहना था कि हेपेटाइटिस के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर उसको मात दी जा सकती है। शुरका ने कहा कि हेपेटाइटिस बी से बचाव बरवक्त तशखीस और वैक्सीनेशन के जरिए मुमकिन है जबकि हेपेटाइटिस सी से बचाव के लिए कोई वैक्सीनेशन मौजूद नहीं। हेपेटाइटिस के हवाले से मुनाक़िदा प्रोग्राम में हाजी अब्दुल समद परदेसी साहब ने बतौर खुसूसी मेहमान शिरकत की। तकरीब में कुतियाना मेमन अस्पताल के चेयरमैन अहमद चनाय और वाइस चेयरमैन सलीम रूमी भी शरीक हुए। जी तो नाजरीन आपने मुलाहिजा की हफ्ते भर की खास खास खबरें। नाजरीन आप चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से सबा चौधरी आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20-30% तक इजाफा कर दिया और आवाम मुश्किलात का शिकार है, बता रहे हैं मियां असलम इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स ने बसों के किरायों में 20-30% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से मानसैरा का किराया 2400 से बढ़ाकर 2800 और इस्लामाबाद का किराया 1800 से बढ़ाकर 2300 रुपए कर दिया गया जबकि मुजफ्फराबाद का किराया 2500 से बढ़ाकर 2900 रुपए और डेरा इस्माइल खान का किराया 2200 से बढ़ाकर 2500 रुपए किया गया है। रजाना का किराया 800 से बढ़ाकर 1000, टोबा टेक सिंह का 1000 से बढ़ाकर 1250 रुपए हो गया है। पीर महल का किराया 1250 और शोर कोट का किराया 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया गया। किरायों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। कल मैं आया हूँ ऑनलाइन बुकिंग की थी तो मैंने मुझे 1200 पे करना पड़ा, आज मैं वापस जा रहा हूँ तो 1240 पे करना पड़ रहा है। पेट्रोल रात को बढ़ा है और इन्होंने अभी से किराए बढ़ा भी दिए हैं। यही रात को पेट्रोल कम होता तो किराए आज भी वही होते। गवर्नमेंट को अपने काम से फुर्सत नहीं है कि एक्शन ले, कम से कम आवाम के बारे में सोचें। टिकट्स भी महंगी हो जाएंगी, ट्रैवल भी मुश्किल हो रहा है आवाम का, तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू सर्वाइव इन पाकिस्तान। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि डीजल की कीमतों में इजाफे के बायस किराए बढ़ाने पर मजबूर हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मुदाखलत की तो ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। दूसरी जानिब महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से किरायों में मनमाना इजाफा रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। नाज़रीन आपने देखा शहरियों को बढ़ते हुए किरायों से किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यही अगर पेट्रोलियम की कीमत में कमी के साथ किरायों में भी कमी की जाए तो आवाम को इन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। लाहौर में अमेरिकन बीवी को कत्ल करके लाश दफनाने के दौरान पुलिस ने शौहर को कब्रिस्तान से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक लाहौर फैक्ट्री एरिया के इलाके बंदियावाला पुल के करीब कब्रिस्तान में काजिम कमाल खान नामी शख्स रात गए लाश दफनाने कब्रिस्तान अकेले ही आया, जिसे अहले इलाका ने देख लिया और पुलिस को इत्तला की।
मालूम हुआ है कि मुलजिम मुर्दा औरत का शौहर है जिसने उसे कत्ल कर दिया था और कब्रिस्तान में खामोशी से तदफीन में मसरूफ था कि उसे धर लिया गया। पुलिस के मुताबिक खातून की शनाख्त डायना क्रिस्टो खान के नाम से हुई जिसे शौहर काजिम कमाल खान ने तशद्दुद करके कत्ल किया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शवाहिद जमा करके मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस और तहकीकाती इदारों ने कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए ईडी एम्बुलेंस के जरिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी। नाज़रीन, दरियाए सतलुज में भारत की जानिब से छोड़े गए पानी की वजह से ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया जिसके बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। कुदरती आफात से निमटने के सूबाई इदारे PDMA पंजाब के तर्जुमान ने कहा, दरियाए सतलुज में ऊंचे से भी इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 23 फुट तक बुलंद और बहाव 2,78,000 क्यूसिक है। हेड सुलेमान की से 80,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। पाक फौज को इमदादी कामों के लिए बुला लिया गया है। दरियाई बैलेट के 21 मौजात की 53,000 से जायद आबादी को फौरी नकल मकानी करने की हिदायत की गई है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक भारत की जानिब से 21 अगस्त तक रोजाना की बुनियाद पर पानी छोड़े जाने की इतलात हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के मुताबिक 15 देहात में से 4 देहात खाली हो चुके हैं जबकि 11 में से 92% आबादी का इनखला मुकम्मल कराया जा चुका है और इंतजामी ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। लाहौर इस्लामपुरा में डकैती की वारदात में 2 शहरी डाकुओं की गोली लगने से जख्मी और 1 हलाक हो गया। डाकुओं ने बैंक से 40 लाख ले जाने वाले शहरी को लूटने की कोशिश की जिस पर शहरी ने मुजाहमत की तो डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। डाकुओं की फायरिंग से 1 शहरी हलाक हो गया। देखिए साकिब सलीम भट्ट की ये रिपोर्ट। लाहौर शहर में डाकू दिन दहाड़े वारदातों में मसरूफ। पुलिस ने लाहौरियों को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। इस्लामपुरा की हदूद में दिन दहाड़े डकैती की वारदात में 2 अफराद गोली लगने से जख्मी हो गए। एहसानुल्लाह नामी शख्स बैंक से 40 लाख रुपए की रकम लेकर बाहर आया तो 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने रोका और मुजाहमत पर गोली मारकर जख्मी कर दिया। मोबाइल फुटेज में देखा जा सकता है डाकू नीले रंग के शॉपर से सिर्फ 10 लाख रुपए रकम लूट कर फरार होने लगे तो लोगों ने रोकने की कोशिश की। डाकुओं की फायरिंग से करीबी दुकान के बाहर खड़े 50 साला कार मैकेनिक आरिफ को सीने पर गोली लगी जो जानलेवा साबित हुई। ऐनी शाही दुकान मालिक इकबाल के मुताबिक आरिफ 20 साल से इसके पास मुलाजिम और 4 बच्चों का बाप था। तो वो अंदर बैठा हुआ था, अचानक ना फायरिंग की आवाज आई है तो वहाँ एक बंदे से ना कोई पैसे वगैरह छीनने से डकैती हुई थी तो जो जिसका साथ डकैती हुई थी उसको भी गोली लगी। उधर से एक फायर हो गई, फायर इधर आया गोली, वो सीधी यहाँ आरफ खड़ा था वो सीधी उसको लगी, वो मौके पे ना फौत हो गया। और बहुत अच्छा इंसान था, कभी उसने हेर फेर नहीं की है, वो ना किसी से दुश्मनी ना लड़ाई झगड़ा, मगे अपने काम पे आना है, काम से घर, और ईमानदार इंसान। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी के मुताबिक डाकुओं ने अपने चेहरे छुपा रखे थे जिनकी तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी गई है जो सेफ सिटी कैमरों और फुटेजेस की मदद से सुराग लगाने में मसरूफ हैं। उन्होंने दावा किया कि मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में मादूमी का शिकार और नायाब नस्ल के लीगर फॉल्कन से मुतालिक पहली बार डॉक्यूमेंट्री जंगली हयात के माहिर बदर मुनीर ने तैयार कर ली। दस्तावेजी फिल्म पाकिस्तान के चोलिस्तान एरिया में भारतीय सरहद के करीबी इलाकों में रिकॉर्ड की गई है जिसमें मुतादद लीगर फॉल्कन और उनके बच्चे फिल्माए गए हैं। बदर मुनीर का कहना है कि इस डॉक्यूमेंट्री की तैयारी में 6 माह लगे हैं जबकि लीगर फॉल्कन के मस्किन की तलाश में 1.5 से 2 साल लगे थे। उन्होंने बताया कि ये फॉल्कन जमीन पर रींगने वाले छोटे कीड़े मकोड़े खाता है और हयातियाती तनों में अहम किरदार अदा करता है। उन्होंने बताया कि लीगर फॉल्कन को बड़े फॉल्कन को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लीगर फॉल्कन से मुतालिक पंजाब वाइल्ड लाइफ समेत दीगर इदारे ये दावा करते हैं कि ये पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर नापैद हो चुके हैं। ताहम बदर मुनीर और उनकी टीम ने लीगर फॉल्कन के मस्कन, रहन सहन, कॉन्जर्वेशन और उसकी मादूमी की वजूहात को उजागर कर दिया है।
ये दस्तावेजी फिल्म आइंदा चंद हफ्तों में पाकिस्तान समेत जंगलात और जंगली हयात के तहफ्फुज के लिए काम करने वाले दीगर इदारों के साथ रिलीज की जाएगी, जिसका मकसद अवाम में लीगर फॉल्कन की कंजर्वेशन और तहफ्फुज के बारे में आगाही पैदा करना है। लाहौर में पुलिस कांस्टेबल की आईजी पंजाब और सीसीपीओ के खिलाफ बदजुबानी की वीडियो वायरल होने पर मुकामी पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस कांस्टेबल को तलाश करके इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आईजी पंजाब ने कांस्टेबल को नौकरी से बर्खास्त करने की बजाय मुकम्मल इलाज की जिम्मेदारी ले ली। मजीद बता रहे हैं नुमान शेख इस रिपोर्ट में। ये कांस्टेबल शाहिद है जो थाना इस्लामपुरा में तैनात है। पुलिस कांस्टेबल को हेलमेट ना पहनने पर एक यूट्यूबर ने रोका तो उसने अफसरान के खिलाफ बदजुबानी शुरू कर दी। आईजी पंजाब साहब देख रहे हैं। सीसीपीओ साहब, वो तो आप। शाहिद की वीडियो वायरल हुई तो मुकामी पुलिस ने इसे तलाश किया। तफ्तीश में पता चला कि कांस्टेबल 15 रोज से गैर हाजिर और वर्दी पहनकर सड़कों पर घूम रहा है। पुलिस के मुताबिक शाहिद 8 साल कबल एक हादसे में जख्मी हुआ था। इसका दिमागी तवादुन दुरुस्त नहीं। आईजी पंजाब उस्मान अनवर को जब कांस्टेबल की रिपोर्ट दी गई, तो उन्होंने एहलकार के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इसके इलाज की जिम्मेदारी ले ली। वो पहले एब्सेंट भी हुआ और इस वक्त राइट नाउ भी उसकी दिमागी हालत को ठीक करने के लिए और उसको सुकून देने के लिए और उसका मुकम्मल इलाज करने के लिए ताकि वो रिहैबिलिटेट हो सके, हम ट्रीटमेंट शुरू कर चुके हैं। आईजी पंजाब ने मजीद बताया कि पुलिस फोर्स के 2,00,000 मुलाजमीन की 10 बीमारियों की स्क्रीनिंग और इलाज मुकम्मल होने जा रहा है। साइकोलॉजिकल तश्कील के नतीजे में सामने आने वाले अवारिस का शिकार मुलाजमीन को मुतलका मुआलजीन के पास ले जाया जाएगा। नाज़रीन, निगरान पंजाब हुकूमत के मुशीर खेल वहाब रियाज की जानिब से बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में वहाब रियाज ने मंगोलिया में मुनाक़िदा मंगोल डर्बी रेस में तारीख रकम करने वाले नौजवानों से मुलाकात की। नॉर्वे कप में सिल्वर मेडल जीतने वाली कौमी स्ट्रीट फुटबॉल टीम को भी सर्टिफिकेट दिए गए। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम की रिपोर्ट में। मशीर खेल वहाब रियाज ने मंगोलिया में 1,000 किलोमीटर पर मुहित मंगोल डर्बी रेस में हिस्सा लेने वाले डॉक्टर फहद जमील, मुअज्जम हयात और उमैर कायम खानी को अपने दफ्तर में खुश आमदीद कहा। इस मौका पर घुड़सवार नौजवानों के अहले खाना भी मौजूद थे। वहाब रियाज ने अपनी मदद आप के तहत दुनिया की मुश्किल तरीन और तवील फासले की डर्बी रेस में शिरकत के जज्बे और जुनून को सराहा। पाकिस्तान में इंटरनेशनल डर्बी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन तआवुन का यकीन दिलाया। डॉक्टर फहद जमील, उमैर कायम खानी और मुअज्जम हयात ने डर्बी में शिरकत को यादगार तजर्बा करार दिया। हम लोगों ने ये कंप्लीट की थी रेस तकरीबन 4 घंटे विनर के पीछे और बहुत ही ज़बरदस्त टीम वर्क का और ब्रदरहुड का जिसे कहते डिस्प्ले किया था और टीम इवेंट के अंदर हम लोग फर्स्ट आए थे। इंडिविजुअली 5th और 7th पोजीशन दुनिया में लेने में कामयाब हुए। रेस जो हुई थी इससे पाकिस्तान को पॉजिटिव गुडविल एक बहुत ज़्यादा मिली है। काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत अच्छी रोशनी में देखा है। और आपने परफॉर्म करना होता था डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस। घोड़े इस तरह के थे कि वो आपको गिराते थे, वाइल्ड घोड़े थे। मौसम इस तरह का हो जाता था के बीच में बिल्कुल यकदम याला बारिश शुरू होगी और आपका सारा सामान जो है वो गीला हो गया, आप ठंड में बैठे रहे हो लेकिन आपने चलना है। बाद अज़ां वहाब रियाज ने नॉर्वे कप में रनर्स अप ट्रॉफी जीतने वाली स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम से भी मुलाकात की। इस मौका पर खिलाड़ियों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। और आखिर में आपको बताएं, लाहौर में सजाए जाने वाले टेनिस मेले में खिलाड़ियों ने सलाहियतों का भरपूर इजहार किया। खवातीन की लीग में परनिया खान चैंपियन बन गईं। बॉयज टीम इवेंट में ब्रेकिंग बैक ने काउ बॉयज पर 1-3 से बर्तरी साबित कर दी। टूर्नामेंट में जानदार मुकाबले देखने में आए। उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों ने मुस्तकबिल में मुल्क का नाम रोशन करने का अज़्म जाहिर किया। मजीद जानते हैं अब्बास रजा की इस रिपोर्ट में। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की मुआवनत से पंजाब जिमनेशियम में होने वाले टूर्नामेंट में बर्तरी साबित करने के लिए खिलाड़ियों ने खूब जान लड़ाई। फिटनेस और महारत के इम्तिहान में किसी को कामयाबी मिली तो किसी को मायूसी का सामना करना पड़ा। खवातीन की लीग में परनिया खान चैंपियन बन गईं। बॉयज टीम इवेंट में ब्रेकिंग बैक ने काउ बॉयज को 3-1 से जेर करते हुए टाइटल पर कब्जा जमाया। फातेह खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। मेडल जीतने वाले खुशी से सरशार नजर आए।
नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों ने जीत को अहम संगे मील करार देते हुए मुस्तकबिल के लिए बुलंद अजायम का इजहार किया। मैं इस इवेंट स्ट्रैटेजी के लिए बहुत मेहनत करती हूँ जिसका फल मुझे मिल गया फाइनली, और मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जा सकूँ। इस तरह के इवेंट होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना अभी बहुत मेहनत बाकी है प्लेयरों के लिए, तो इस तरह के इवेंट अगर और मजीद होंगे ना तो इंशाल्लाह जो टैलेंट है वो सामने आएगी इससे। पंजाब टेबल टेनिस फेडरेशन के सदर अरफानुल्लाह खान ने कामयाब इवेंट पर मुंतजमीन को मुबारकबाद देते हुए खिलाड़ियों को मेहनत का सिलसिला जारी रखने का मशवरा दिया। नाजरीन ये था लाहौर का अहवाल, मुझे दीजिए इजाजत, आपको इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रजिया खान लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। निगरान वफाकी काबीना का पहला इजलास निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेरे सदारत इस्लामाबाद में हुआ जिसमें निगरान वुज़रा मावनीन और मुशीरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी काबीना एजाज डार भी वफाकी काबीना के इजलास में शरीक हुए और वुज़रा को काबीना इजलास के रूल्स एंड प्रोसीजर्स पर ब्रीफिंग दी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने निगरान काबीना अरकान का इजलास में इस्तकबाल किया। वुज़रा ने निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। इजलास की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। निगरान वफाकी काबीना का पहला इजलास वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की सदारत में हुआ, वुज़रा ने ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब करते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा पाकिस्तान तमाम मजाहिब के हामिल लोगों का मुल्क है और माशरे में मजहबी इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। If there is chaos, if there is anarchy, no governance system, no secular system, no religious theocratic system, whatever the people of a concerned territory wish to live it, with it, you can't have that. So we know the sanctity of the order that would be kept at any cost. Nigran Wazir Azam ne 9 Mai ke waqiat par napasandeedgi ka izhar karte hue kaha ki hamari fauji tanzimat par hamla hamare pure nizam par hamle ke mutaradif hai. Some sabotage activities on May 9th I would explicitly express my not just discomfort but it was a way of disappointment that how and where did we reach on that day. We not just condemn it, now we are in the role to ensure that justice is being done, and whosoever violated laws on those days would be treated by those laws. There won't be any favor, there won't be any fear. We will try to implement with justice and neutrality. निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विफाक दारुल हुकूमत में अकलियतों के तहफ्फुज़ के लिए 70 जवानों पर मुश्तमिल पुलिस यूनिट कायम कर दिया गया। तर्जमान कैपिटल पुलिस के मुताबिक तमाम डीपीओस अपने इलाके में अकलियती इबादत गाहों और आबादियों की हिफाजत के जिम्मेदार होंगे। हर डिवीजन की सतह पर अकलियती कम्युनिटियों से राब्ते को मजबूत बनाया जाएगा। माइनॉरिटी प्रोटेक्शन यूनिट SSP ऑपरेशंस की जेर निगरानी फराइज सर अंजाम देगा। माइनॉरिटी प्रोटेक्शन यूनिट का क्याम नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक अमल में लाया गया। शामिल करते हैं अगली खबर। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर हलका बंदियां करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने हलका बंदियों के लिए 4 माह का वक्त मुख्तस कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। हलका बंदियों की हतमी अशात 14 दिसंबर को की जाएगी। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हलका बंदियां की जाएंगी। हलका बंदियों से मुतालिक इंतजामी अमूर 31 अगस्त तक मुकम्मल किए जाएंगे। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात 3 माह में होने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हलका बंदियों का नोटिफिकेशन और शेड्यूल जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास में आइंदा आम इंतखाबात और नई मर्दमशुमारी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और इंतखाबी हलका बंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल करने का फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन ने नई हलका बंदियों के लिए सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से भी मुआवनत तलब कर ली। मुतलका हुकाम को नई हलका बंदियों के हवाले से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन से जारी शेड्यूल के मुताबिक हलका बंदियां 14 दिसंबर को मुकम्मल होंगी जबकि पुरानी हलका बंदियों को मुंजमद कर दिया गया है।
اعلامیہ کے مطابق 21 اگست کو چاروں صوبوں اور اسلام آباد کے لیے حلقہ بندی کمیٹیاں بنیں گی. یکم سے 4 ستمبر تک حلقہ بندی کمیٹیوں کو ٹریننگ دی جائے گی. نئی حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 9 اکتوبر کو شائع کی جائے گی، جبکہ 10 اکتوبر تا 8 نومبر حلقہ بندیوں پر اعتراضات عائد کیے جا سکیں گے. 10 نومبر سے 9 دسمبر تک حلقہ بندیوں پر اعتراضات دور کیے جائیں گے، جس کے بعد 14 دسمبر 2023 کو حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست شائع کی جائے گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے حالیہ ڈیجیٹل مردم شماری 2023 کے نتائج کی سرکاری اشاعت کے بعد الیکشن کمیشن پر نئی حلقہ بندیاں کروانا لازم ہے، لہٰذا 90 روز میں عام انتخابات نہیں ہو سکتے. نئی حلقہ بندیوں کا کام 4 ماہ میں مکمل کرنے کے بعد عام انتخابات کا شیڈول جاری کیا جائے گا. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سالانہ انٹرنشپ پروگرام کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب سے آرمی چیف جنرل آصف منیر نے خطاب کیا. پروگرام میں ملک بھر کی مختلف یونیورسٹیوں سے 370 سے زائد طلباء نے شرکت کی. تقریب سے خطاب میں آرمی چیف نے قومی ترقی میں نوجوانوں کے کردار پر زور دیا. اس موقع پر انہوں نے جڑاں والا واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتوں کے خلاف عدم برداشت اور انتہائی رویے کے ایسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تقریب کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل آصف منیر نے سالانہ آئی ایس پی آر انٹرنشپ پروگرام کے شرکاء سے خطاب کیا. پروگرام میں پاکستان بھر کی مختلف یونیورسٹیوں کے 370 سے زائد طلباء نے شرکت کی. آرمی چیف نے قومی ترقی میں نوجوانوں کے کردار پر زور دیا. جنرل آصف منیر نے کہا نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں، وہ ملک کے امن، ترقی اور خوشحالی میں بہت زیادہ کردار ادا کر سکتے ہیں. آرمی چیف نے ملک میں انارکی اور بدامنی پھیلانے کے لیے عوام میں دراڑ، عدم برداشت، بد اعتمادی اور پرتشدد رویے پیدا کرنے اور اسے ہوا دینے کے لیے دشمن قوتوں کی کوششوں کو بھی اجاگر کیا. آرمی چیف نے کہا نوجوانوں کے لیے ضروری ہے وہ سچ، آدھا سچ، جھوٹ اور غلط معلومات کے درمیان فرق سمجھیں. جڑاںوالا کا واقعہ انتہائی افسوسناک اور مکمل طور پر ناقابل برداشت ہے. معاشرے کے کسی بھی طبقے کی طرف سے کسی کے خلاف، خاص طور پر اقلیتوں کے خلاف، عدم برداشت اور انتہائی رویے کے ایسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں. پاکستان کے تمام شہری بلا تفریق مذہب، جنس، ذات یا عقیدہ ایک دوسرے کے لیے برابر ہیں. کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ایسے جرائم کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز اور کاروباری مراکز میں بنائے گئے غیر قانونی کار شو رومز کے خلاف کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں. غیر قانونی کار شو رومز کے خلاف کارروائیوں میں بلڈنگ کنٹرول سٹیٹ انفورسمنٹ ونگ کے عملے نے شرکت کی. غیر قانونی شو رومز کے خلاف سب سے زیادہ شکایات سیکٹر G8 مرکز سے وصول ہوئی. چیئرمین سی ڈی اے کی ہدایت پر ان شو رومز کو سیل کر دیا گیا تاکہ پیدل چلنے والوں کی شکایات سمیت کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکے. سی ڈی اے نے اسلام آباد میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. یہ مہم سی ڈی اے کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات بشمول F7, F10, G11 اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے شروع کی گئی. سی ڈی اے چیئرمین نے اتھارٹی کو ہدایت کی کہ وہ واگزار شدہ اراضی پر دوبارہ تجاوزات کو روکنے اور دارالحکومت بھر میں سبزہ زار کو بڑھانے کے لیے اقدامات کرے. اس سلسلے میں سی ڈی اے شہریوں، بالخصوص تعلیمی اداروں کے ساتھ بھی تعاون کر رہا ہے تاکہ دارالحکومت کے قدرتی حسن کو برقرار رکھا جا سکے، جسے گرین سٹی کے تصور پر تیار کیا گیا تھا. شامل کرتے ہیں اگلی خبر. نگران حکومت کے آتے ہی عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرا دیا گیا. پیٹرول کی قیمت میں 17.5 روپے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 20 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا، جس کے بعد پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. ایک طرف بڑھتی ہوئی مہنگائی اور دوسری جانب پیٹرول کی دن بدن بڑھتی قیمتوں نے عوام کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے. نئے دور میں مہنگائی کا نیا طوفان. نگران حکومت نے آتے ہی عوام پر پیٹرول بم گرا دیا. پیٹرول کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. نگران حکومت نے پیٹرول 17.5 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا، جس کے بعد قیمت 290.45 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے. اضافے پر مہنگائی کے مارے عوام کی چیخیں نکل گئیں. پیٹرول جیسے مہنگا ہو رہا ہے سر، ہر چیز ہی مہنگی ہوتی جا رہی ہے. ہم جیسے مزدور بندے تو پس کے رہ گئے ہیں. مہنگائی ہے اور اس میں بچت بھی نہیں ہوتا ہے. سارا دن رکشہ چلاتے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا، اتنا بچت ہوتا نہیں ہے. بہت برا حال ہے پاکستان کا. یہ پیٹرول مہنگا کر کے ان لوگ تو تباہ و برباد کر دیا. ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 20 روپے اضافے کے بعد
293.40 रुपए फी लीटर हो गई है। LPG 10 रुपए इजाफे के बाद 220 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, जबकि पहाड़ी इलाकों में LPG की कीमत 255 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। घरेलू सिलेंडर 3015 और कमर्शियल सिलेंडर 11600 रुपए में दस्तियाब है। हमारी जो सैलरी है इतनी है नहीं कि हम पेट्रोल बर्दाश्त कर पाए, बहुत महंगा हो गया। महंगाई इतनी हो चुकी है, आवाम किस तरह गुजारा करेगी ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। हर तरफ देखो तो महंगाई का एक तूफान आया हुआ है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इससे पहले 1 अगस्त को भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रजिया खान को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।